नमस्कार, आज हम बनाएंगे पंचबेल दाल। इसके लिए ये मैंने 5 तरह की दाल ली हैं। ये चने की दाल है, ये 20 ग्राम है। इसको हम ये कुकर में डाल देंगे। ये देखिए अरहर की दाल, ये भी 20 ग्राम है। और ये मसूर की दाल, इसको भी डाल देंगे। ये है उड़द की दाल छिक्कल वाली, ये भी 20 ग्राम है। और ये है मूंग की धुली दाल 20 ग्राम। सभी दालें, मैंने 5 दालें जो ली हैं वो सभी 20-20 ग्राम हैं। इनको धोकर मैंने साफ कर लिया और अब हम इसको उबलने के लिए रखेंगे। देखिए हमने ये सभी दालें डाल दी हैं। अब हम इसमें टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। और 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसको हम उबलने के लिए रख देंगे। इसमें हम दाल के ऊपर 1 इंच तक हम पानी रखेंगे और इसको बंद करके हम उबलने के लिए गैस पे चढ़ा देंगे। ये देखिए मैंने दाल को गैस पे चढ़ा दिया है। हम 2 सीटी आने तक इसको उबालेंगे। ये देखिए प्रेशर कुकर में दाल में 2 सीटी आ चुकी हैं। मैंने इसको गैस को बंद कर दिया है। अब इसका प्रेशर खत्म होने तक हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जब प्रेशर इसका खत्म हो जाएगा तब हम इसको खोलेंगे। तब तक हम तड़का तैयार करेंगे। क्या हम कुकर खोलेंगे और देखिए हमारी ये देख दाल बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हम तड़का तैयार करेंगे। और दाल में तड़के के लिए मैंने जो ये लिया है मसाले लिए हैं, उसमें मैंने ये 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च है, अदरक है ग्रेट करके लिया है, करी पत्ते हैं थोड़े से, 4-5 लाल मिर्च हैं साबुत, 1/4 चम्मच हींग है, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच घी लिया है और इसमें 1 बड़ी इलायची, 5-6 लौंग और 10-12 काली मिर्चें हैं जिसको मैंने कूट लिया है। और हम तड़का लगाने के लिए पैन गैस पर रखेंगे। हम तड़का तैयार करेंगे। इसमें हम ये घी डालेंगे। और ये जीरा, हींग डालेंगे। ये लाल मिर्च, धनिया और ये सूखी लाल मिर्च, ये मैंने एक टमाटर को पीस लिया था वो हम डाल देंगे। और ये काली मिर्च, लौंग और इलायची, ये मैंने कूटी थी उसको डाल देंगे अब हम। और ये हमारा तड़का तैयार हो गया और हम इसको दाल में डालेंगे। देखिए इसको हम दाल में डाल देंगे। ये देखिए मैंने दाल को बाउल में सर्व कर लिया है और ये थोड़ा तड़का हमने जो बचाया था इसको हम ऊपर से डालेंगे। ये देखिए हमारी पंचमेल दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। नमस्कार।